थ्योरम है बच्चों, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट डिटरमिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए कंप्लीट का इनवर्स। थ्योरम आपके पास है, वो इनवर्टिबल है आपके पास। थ्योरम की थी ना हमने, तो ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो गई। इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो गई तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आप ये लिख सकते हो ना बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, ए ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर ए आप एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स लेके चले, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए इज इनवर्टिबल, ठीक है, ए जो है वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो गई। और प्रूव ये करना था तो इनवर्स की जो डेफिनेशन हमने की थी उसके अकॉर्डिंग यही होता है ना, ए और ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अगर ए आपके पास एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो, ठीक है। अब डिटरमिनेंट ले लो, अब क्या करना है आपको, डिटरमिनेंट ले लो यहाँ से। यहाँ से मैंने लिया बच्चों ए ए इनवर्स इज इक्वल टू, ले सकते हैं ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, मैंने सिर्फ ये ले लिया। अब यहाँ से हमें तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स निकालना है, अगर डिटरमिनेंट ए इनवर्स निकालना है तो जो ये इक्वेशन आ गई ना आपकी, इसका डिटरमिनेंट ले लो, ठीक है। डिटरमिनेंट अगर आप लोगे तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब डिटरमिनेंट ये एक फॉर्मूला होता है जो हम डेली के साथ यूज हो जाते हैं, डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ए इन टू डिटरमिनेंट बी, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका अगर आप यूज करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, वन करवा चुकी मैं आपको, ये वन आ गया। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, डिटरमिनेंट ए इनवर्स की, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये आ जाएगा आपके पास डिटरमिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन, इसको इधर लेके जा सकते हैं डिनोमिनेटर में, क्यों लेके जा सकते हैं बच्चों, क्योंकि स्टार्टिंग में डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ठीक है। और अगर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है तो आप डिवाइड कर सकते हो,
तो यहाँ से 1 by determinant A, ठीक है। अब यहाँ से आप लिख दो, हो गया कंप्लीट। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू, अगर इसको मैं न्यूमरेटर में लिखना चाहूँ तो डिटर्मिनेंट ए की पावर माइनस, यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्या किया है, देखो अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है आपके पास, तो उस केस में आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है। तो आपको देखो ए नॉन सिंगुलर है तो आपको ये तो पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, और ए हम लेके चले एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स, लिख लेना है जो यहाँ पे आपको, ठीक है। लेट ए बी ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड गिवन दैट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज यहाँ पे ए इन्वर्टिबल हो गई आपके पास, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। फिर आपको लिखना है बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, ए ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। यहाँ से अब आपको डिटर्मिनेंट ए इनवर्स निकालना है, तो हमने क्या किया, या तो आप इसको इसके इक्वल ले लो या इसको भी ले सकते हो, ठीक है, तीनों इक्वल है। तो यहाँ से हमने लिया ए ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकाल दिया बोथ साइड्स, डिटर्मिनेंट लोगे तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। यहाँ से एक रिजल्ट यूज किया, ये अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो ए बी का तो वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के, ये वाला रिजल्ट यूज किया है, ठीक है। इस रिजल्ट का यूज यहाँ पर कर लिया आपने, तो क्या आ जाएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी का किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया वन, और आपको वैल्यू किसकी निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स की, तो ये डिटर्मिनेंट ए इनवर्स आ गया आपके पास 1 by determinant A, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर माइनस वन, यही आपको प्रूव करके दिखा। आगे बच्चों प्रूव दैट एडजोइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ये आ गया सबको समझ, आपको प्रूव करना है। अभी जो थ्योरम है बच्चों उसमें कहा गया है प्रूव दैट एडजोइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, लेके चलोगे जो कि n क्रॉस n की है और नॉन सिंगुलर भी है, और आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि जब आप उसका एडजोइंट निकालोगे ना एडजोइंट a, वो भी नॉन सिंगुलर आएगा, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। लेके क्या चलोगे, लेट a बी a n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बच्चों बाय डेफिनेशन ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे प्रूव क्या करना है कि जो एडजोइंट है ना वो भी नॉन सिंगुलर आएगी, आपको प्रूव करके दिखाना है। और एडजोइंट ए नॉन सिंगुलर कब आएगा, जब एडजोइंट ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, ठीक है। तो कुल मिला के आपको एडजोइंट ए इज नॉट इक्वल का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो दिखाना है। देखो प्रूव करते हैं सर, let a be a n cross n, yani likh lo ye likhne se hame yahi pata chal gaya ki n cross n ki matrix liya, theek hai। let c be a non singular matrix
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ली तो बाय डेफिनेशन ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या आ गया बच्चों आपके पास, डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे हमें जरूरत नहीं है, बट अगर आप इससे आगे लिखना चाहो तो डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आते ही हमें ये पता चल गया कि ए जो मैट्रिक्स है वो इनवर्टिबल है, आपके पास ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इस थ्योरम में हमें इनवर्स की कहीं जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहां से देखो क्या करना है, तो क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमें ए ए, तो इसका जो एडजॉइंट आएगा वो भी हमें नॉन सिंगुलर प्रूव करके दिखाना है, हमें प्रूव करना है एडजॉइंट ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब एडजॉइंट ए को नॉन सिंगुलर दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा बच्चों, कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखो किसका यूज करें बताओ, एडजॉइंट ए और ए का कोई रिजल्ट है, ए और एडजॉइंट ए का कोई रिजल्ट है बताओ। वेरी गुड, देखो क्या होगा बच्चों, अगर ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना तो उस केस में क्या होता है, आपके पास लिख देना वो कंप्लीट जो थ्योरम है वो, इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पे। क्या रिजल्ट है, ए एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, अब देखो ये हमने क्यों यूज किया बच्चों, क्योंकि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हमारे पास गिवन है और डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए नॉट इक्वल टू 0 हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो एक रिलेशन यही है हमारे पास ए और एडजॉइंट ए में, है ना, जहां से हम प्रूव करने की मतलब देखते ट्राई करते हैं शायद हो जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप बच्चों हमने क्या किया, ए वही चीज या तो इसको इसके इक्वल ले लो या फिर इसको इसके इक्वल ले लो आपकी मर्जी, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब यहां से देखो आपको एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट चाहिए, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करें, बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लेते हैं। अगर आप डिटरमिनेंट लोगे बोथ साइड्स तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऐसे लिख देते हैं, डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट, और ये है ये भी डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एच। ठीक है, अब एक बात देखो बच्चों, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख दूं कोई भी मैट्रिक्स है 3x3 की है मान लिया, ठीक है, या 2x2 की है, 2x2 की कोई मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट मैं आपको बोल देती हूँ कि उसका डिटरमिनेंट 2 है, ठीक है, और फिर मैं आपको बोल दूं कि आप ये निकाल के दिखाओ तो क्या आएगा आपके पास, डिटरमिनेंट ए तो 2 है और ये आई 2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ये आ जाएगा यही, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अब ये जो मैट्रिक्स बनी वो ये आ गई। ठीक है, फिर मैं बोल दूं आपको कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेके बताओ मुझे क्या आएगा, तो डिटरमिनेंट किसका, इस मैट्रिक्स का अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़े तो क्या डिटरमिनेंट आएगा बच्चों, 2 × 2 = 4 − 0 = 4 आ जाएगा ना, लेकिन मैं 4 नहीं लिखूंगी, मैं ये देख रही पैटर्न क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर यही आया ना, और 2 तो क्या था यहाँ पे डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर आ गया। कुल मिला के हुआ ये है कि यहाँ से जब आप ये करोगे, इसको मैं एज इट इज पुट कर दूं, अगर यहाँ पे ये कर दिया फिर यहाँ से मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट ए फिर डिटरमिनेंट ए ऐसे ही आएगा ना, उसके बाद जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे इसका तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए। ठीक है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की थी तो आया आपके पास डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, यहां पर हमारे पास क्या है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे ना, डिटरमिनेंट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो क्या आ जाएगा आपके पास,
डिटर्मिनेंट ए की पावर एम, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे हम, डिटर्मिनेंट ए बी किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। यहाँ पर जो रिजल्ट हम यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ठीक है। ये वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज किया और ये वैल्यू मैंने बता दी कैसे आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आगे नेक्स्ट स्टेप ये आ गया, यहाँ से आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू। यहाँ से जब आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो डिटर्मिनेंट ए की पावर एन, ठीक है बच्चों, डी टी लिख लो या ऐसे लिख लो, डिटर्मिनेंट भी तो है ही वो। तो यहाँ से क्या आ गया, जब आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो डिटर्मिनेंट ए की पावर एन ही तो आएगा ना, तो वो मैंने ये लिख दिया। और यहाँ पे इस रिजल्ट का यूज किया, ए तो ये है ही, बी की जगह पे क्या है, एडजॉइंट ए, तो बी की जगह पे एडजॉइंट ए पुट कर दो। यहाँ पे क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, ठीक है। हमें क्या निकालना है बच्चों, एडजॉइंट जो है एक नॉन सिंगुलर दिखाना है, इसके लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि जो डिटर्मिनेंट आएगा ना एडजॉइंट ए का वो नॉट इक्वल टू जीरो आए, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देख लेंगे किसके इक्वल आएगा। एक बात देखो, ये भी डिटर्मिनेंट ए है, ये भी डिटर्मिनेंट ए की पावर एन है, और डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है तो डिवाइड कर सकते हैं ना डिटर्मिनेंट ए से, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, ये लिखा मैंने एंटिटी इज इक्वल टू, डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन, पावर तो ये थी, और अपोन में डिटर्मिनेंट ए की पावर वन आए, तो जब उसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, एन माइनस वन, तो ये आ गया ये। अगर आपसे वैल्यू भी पूछ ली जाए ना कि ए आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, तो ये आएगा रिजल्ट, ठीक है। अब एक बार बताओ, ये जो डिटर्मिनेंट है ये तो नॉट इक्वल टू जीरो है, और किसी नॉन जीरो नंबर की कुछ पावर करोगे आप, कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या आएगा, नॉन जीरो नंबर, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो भी बनता हमारे, ठीक है। एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट आया बच्चों वो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, और यही हमें दिखाना था, ये नॉन जीरो आते ही हम क्या बोल देंगे, एडजॉइंट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई, यही आपको प्रूव करके दिखा। दिस इंप्लाइज एडजॉइंट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो फिर से एक बार बता देती हूँ, प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका जो एडजॉइंट आएगा वो भी नॉन सिंगुलर आएगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेके चले, लेट ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स ली हमने, बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है बच्चों तो बाय डेफिनेशन ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो। आपको प्रूव क्या करके दिखाना है कि एडजॉइंट ए जो होगा वो भी नॉन सिंगुलर हो, आपको ये प्रूव करना है एडजॉइंट ए इज नॉन सिंगुलर, और एडजॉइंट ए को नॉन सिंगुलर दिखाने के लिए आपको क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि जो इसका डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें एक रिजल्ट पता है बच्चों, ए इंटू एट, अगर ए कोई स्क्वेयर मैट्रिक्स हो आपके पास तो आप इस रिजल्ट का यूज कर सकते हो, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब यहाँ से हमें तो डिटर्मिनेंट चाहिए ना एडजॉइंट ए का, है ना, तो हमने क्या किया, ये दोनों इक्वल रखे और फिर यहाँ से डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया बोथ साइड्स। अगर आप डिटर्मिनेंट लोगे तो डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन,
नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इसका यूज किया इस रिजल्ट का, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और ये किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर एन, ये मैंने आपको यहाँ से भी बता दिया है। यहाँ से आप देखो ये भी डिटरमिनेंट ए है, ये डिटरमिनेंट ए की पावर एन है, और ये देखना है आपको कि क्या आप डिवाइड कर सकते हो बच्चों डिटरमिनेंट ए से। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है हमारे पास, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो किसी नॉट जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, डिटरमिनेंट ए से बोथ साइड डिवाइड कर दिया। डिवाइड करोगे तो यहाँ से तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, और डिटरमिनेंट ए तो नॉट इक्वल टू जीरो है, किसी नॉन जीरो नंबर की कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर करोगे आप, वो भी क्या आएगा नॉन जीरो नंबर, तो ये आ गया नॉट इक्वल टू जीरो, और डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। इस बात का क्या मतलब हो गया, एडजॉइंट ए आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था, आप ए को नॉन सिंगुलर लेके चले थे और एडजॉइंट ए को आपने नॉन सिंगुलर प्रूव कर दिया। अब इससे जो अगली थ्योरम है बच्चों उसमें है, अगर आपके पास ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है ऑर्डर एन की, जो कि मैं यहाँ पे लेके चली हूँ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसमें स्टेटमेंट में ये गिवन है कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, देन प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, सेम है आपको। देखो इस बार आपको जो अगली थ्योरम है उसका फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है उसमें ये दे दिया कि अगर आपके पास कोई ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो आपको एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकाल के दिखाना है, और वो किसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है, तो यही तो प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, एक बार मैं लिख देती हूँ उनकी स्टेटमेंट ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए सभी को। इस बार जो थ्योरम दी है उसने उसमें लिखा है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन फर्स्ट पार्ट ठीक है आपको पूछ लिया उसने कि जो डिटरमिनेंट आएगा ना इस केस में एडजॉइंट ए का, वो किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस, ये है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों, तो यहाँ पर तो हम मान के चले हैं कि ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, लेकिन यहाँ पर तो उसने दे ही दिया, यहाँ पर हम मानेंगे नहीं, यहाँ पर हम लिख देंगे गिवन दैट ए ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। फिर अगर ये है तो डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अब इस केस में हमें नॉन सिंगुलर प्रूव करके नहीं दिखाना, इस केस में हमें क्या प्रूव करना है, इस केस में हमें ये प्रूव करना है कि जो इस केस में हमें प्रूव करके दिखाना है, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर एन, ठीक है। तो आप देखो सेम ही है, ये निकल गया हमारा, ये आ गया, बस बस यही तक करना था आपको, ठीक है। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट दिया है बच्चों, आपको निकालना है एडजॉइंट एडजॉइंट ए, और किसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए, ये आपको प्रूव करके दिखा देना, ये आ गया ना फर्स्ट पार्ट सबको, इसी में चेंज कर देती हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट प्रूव करना है वो आपको प्रूव करके दिखाना है, एडजॉइंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इन टू ए, ये प्रूव करके दिखाना है, यही प्रूव करना है। तो देखो ये प्रूव करने के लिए गिवन तो है ही ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर एन की, तो ये चीज़ तो गिवन है ही, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ये चीज भी है हमारे पास। अब
ए और एडजुएंट में ये रिजल्ट भी आप जानते हैं, ये रिजल्ट आपको पता है, यहाँ से मैंने ये यूज करते कर सकते हो आप, इससे आप करें, इससे आपकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो वैल्यू है बच्चों वो ए एडजॉइंट देती है, लेकिन आपको जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, एडजॉइंट एडजॉइंट ए की, है ना। तो एडजॉइंट एडजॉइंट ए होना चाहिए था यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जो ये रिजल्ट है ना, अगर ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी आएगी, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी तो ये रिजल्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे बच्चों, ए को रिप्लेस कर देंगे एडजॉइंट ए से, रिप्लेसिंग ए बाय एडजॉइंट ए। देखो क्या आएगा, ए को अगर आप एडजॉइंट ए से रिप्लेस करोगे तो ए की बजाय लिखा आपने, इस ए की जगह पे लिख दिया एडजॉइंट ए, ठीक है। फिर उसके बाद ये एडजॉइंट है और फिर इस ए की जगह पे क्या कर दिया एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अब इस ए की जगह पे भी क्या पुट करोगे एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ होगा, ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखो, इसकी वैल्यू चाहिए आपको, इसकी वैल्यू तो निकालनी है ना सेकंड पार्ट, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये एडजॉइंट ए जो है ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो एडजॉइंट ए का क्या करो आप, ये रिजल्ट जानते हो, है ना, तो इस रिजल्ट का यूज करते हो, इस रिजल्ट का यूज करोगे तो इस एडजॉइंट ए के पहले ए और होना चाहिए था ताकि ये वैल्यू पुट की जा सके। हम क्या करेंगे, ए से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत सही कर सकते हैं क्योंकि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी दे रखी है आपके पास। हमने क्या किया बच्चों, प्री मल्टीप्लाई कर दिया बाई ए, यहीं पे कर दूँ, ए से प्री मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए, और यहाँ पर भी क्या आ गया, ठीक है। अब इसकी जगह पे तो ये रिजल्ट यूज कर देंगे, अगर ये रिजल्ट यूज करोगे तो क्या वैल्यू खुद की डिटर्मिनेंट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, और ये एडजॉइंट ए, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू। अब देखो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए ये तो कोई स्केलर वैल्यू आएगी ना, डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का आप निकालते हो कोई नंबर ही आता है ना, कोई स्केलर वैल्यू आती है, तो इसको तो आगे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। और ए मैट्रिक्स की जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए मैट्रिक्स, तो ये आ गया ए, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाल ली फर्स्ट पार्ट में, निकाल चुके हैं ये वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ए। और देखो ये भी एक मैट्रिक्स है आपके पास, मैट्रिक्स ही है, इस मैट्रिक्स की जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी यही, तो यहाँ पर आपके पास आया एडजॉइंट ए, ठीक है, इज इक्वल टू। यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट का यूज किया, फर्स्ट पार्ट का यूज करोगे तो डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, ये ए एज इट इज, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ए तो नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है तो आप इसको ले आए राइट साइड में या डिवाइड कर दो बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा बच्चों एडजॉइंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन तो पहले ही है और अपॉन में एक पावर और आई तो क्या आ जाएगा पावर एन माइनस टू इन टू, यही आपको प्रूव करके दिखाना था सेकेंड पार्ट। अगर आप
आपके पास ए कोई नॉन सिमिलर मैट्रिक्स दे रखी है ऑर्डर एन की, तो उस केस में डिटरमिनेंट ए तो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, एडजॉइंट एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो हम ये रिजल्ट जानते हैं, अगर ए कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो उस केस में ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनटू ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। यहाँ से हमने ये और ये दोनों इक्वल टू किए आगे, क्योंकि हमें एडजॉइंट एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या कर दिया, जो ए को रिप्लेस कर दिया एडजॉइंट ए से। अगर आप रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। आने के बाद हमने क्या किया, देखो ए नहीं था यहाँ पे, ए हमने बाद में प्री मल्टीप्लाई किया है, तो एडजॉइंट ए आ गया, लेकिन हमें तो सिर्फ ये चाहिए था। इस रिजल्ट का हम फिर से यूज करना चाह रहे हैं, इस रिजल्ट का यूज करने के लिए हमारे पास एडजॉइंट ए से आगे एडजॉइंट ए होना चाहिए ना, तो हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, यहाँ पर भी ए यहाँ पर भी ए। अब यहाँ पर इसकी जगह पे तो ये रिजल्ट यूज कर दिया, डिटरमिनेंट ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ये एज इट इज और इज इक्वल टू। अब देखो ये डिटरमिनेंट तो एज इट इज और ए की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई की तो ए, ठीक है। अब इसकी जगह पे यूज किया हमने ये वैल्यू, निकाल चुके हैं जो हम फर्स्ट पार्ट में पुट कर दिया, उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जब इसके साथ मल्टीप्लाई की तो यही मैट्रिक्स आ गई। अब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम डिटरमिनेंट ए को इधर ले आए, हमारे पास ये आ गया जो हमें प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक थ्योरम और है, अगर आपके पास ए नॉन सिमिलर मैट्रिक्स है तो जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगी वो भी नॉन सिमिलर होगी, और ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स निकलेगा वो ए इनवर्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आएगा। ये आपको ट्राई करनी है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद एक टॉपिक और रह गया इसका, देखो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपके पास बच्चों नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी दे दो, लीनियर इक्वेशन दे दो इन एनी अननोन, अगर वो आपको लीनियर इक्वेशन दे दे इन एन अननोन मान लिया, ठीक है, तो आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। किस तरह से लिखी जाएगी वो इक्वेशन, ए एक्स इज इक्वल टू बी, और यहाँ से अगर आपको उन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल दिया जाए ना, तो लीनियर इक्वेशंस का मान लिया तीन इक्वेशन है बच्चों आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपके पास तीन इक्वेशन है, ये तीन इक्वेशन, ठीक है, तीन लीनियर इक्वेशन और तीन ही अननोन है आपके पास एक्स वाई जेड, तो इस इनको आप है ना क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो इस तरह से, ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स लिखी जाएगी बच्चों वो क्या होगी, जो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कोफिशियंट है ना वो लिख दो फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में लिखोगे तो यहाँ पर एक्स का जो कोफिशियंट है वो वन, y का कोफिशियंट 1, z का कोफिशियंट भी 1, फर्स्ट रो ऐसे लिखी गई। इस मैट्रिक्स की सेकंड रो कैसे लिखी जाएगी, जो सेकंड इक्वेशन में x y z के जो कोफिशियंट है वो लिख दो, x का कोफिशियंट 1, y का कोफिशियंट -1, z का कोफिशियंट -1। थर्ड रो कैसे लिखी जाएगी, जो थर्ड इक्वेशन में x y z के जो कोफिशियंट है वो लिख दो, यहाँ पर 1, यहाँ पे -1, 1, -1, ए लिख दी। फिर जो x मैट्रिक्स आएगी बच्चों वो एक कॉलम मैट्रिक्स आएगी, कॉलम मैट्रिक्स कैसे बनेगी, जो आपके अननोन्स है ना उनको लिख दो आप, जैसे एक्स वाई जेड है तो इनको लिख दो कॉलम मैट्रिक्स में एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद जो ये बी मैट्रिक्स आएगी, ये जो आपके राइट साइड में लिखे हुए ना ये लिख दो 1, 0, ये मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये कहा गया है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में कि आप इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, कि अगर ए जो है, अगर ए आपके पास डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, या फिर ए आपके पास इन्वर्टिबल है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में डायरेक्ट जो निकल जाएगा ना सॉल्यूशन वो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास ए इनवर्स, ठीक है। इस केस में देखो वैसे तो हम सारी पढ़ेंगे कि अगर आपके पास एम इक्वेशन है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एन है, ठीक है, हर केस स्टडी करेंगे हम फोर्थ चैप्टर में, फोर्थ या थर्ड चैप्टर है आपको उसमें, लेकिन फिलहाल जो आपकी 1.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन डाले गए हैं ना वो सिर्फ वही क्वेश्चन है, इसमें
जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल मिलेंगी आपको, और जब आप ए मैट्रिक्स बनाओगे तो वो एक स्क्वेयर मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। स्क्वेयर मैट्रिक्स बन के जब आप उसका डिटर्मिनेंट भी निकालोगे ना बच्चों, वो भी आपका नॉन जीरो ही मिलेगा। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन वही डालेंगे एजी में क्या हो, ताकि हम इसका यूज कर सकें, ठीक है। और यहाँ से आपके पास एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन एक्स। इस तरह से आपको करने क्वेश्चन आप देखें, मुझे नहीं पता इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं अभी, क्योंकि मैंने रैंडम लिख दिया है इसे ही कोई क्वेश्चन समझाने के लिए आपको। अब आपके पास चलो मैं इसी में बता देती हूँ एक बार, है ना, फिर कंप्लीट हो जाएगा। मान लिया इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट आपने निकाला वो नॉट इक्वल टू जीरो आया, इसका डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। तो फिर यहाँ से बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, आपको सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन क्या होगा, आपकी जब वो वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे ना आप, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको देखो बी तो है ही, ए इनवर्स हो चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आ गया तो ए इनवर्स निकाल सकते हो, ए इनवर्स निकालना आता है। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए निकालना आता है आपको, एडजॉइंट ए निकालना भी आता है, ठीक है। वो निकाल के ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ए इनवर्स आते ही ए इनवर्स इनटू बी निकाल देना, वो एक्स की वैल्यू आ गई, कर लोगे। तो इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट, इसको कंप्लीट कर लो।